फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस। देखिए, उम्र का असर सब पे पड़ता है, लेकिन आप इसको लंबा खींच सकते हैं, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगी कुछ एक्सरसाइजेस, जो एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस हैं, उसका ये करने से आपके फेस पे उम्र का असर नहीं पड़ेगा और आपकी बॉडी पे भी उम्र का इफेक्ट, जो घुटना दर्द होना, कमर दर्द होना, ये सारी चीजें उससे दूर रहेंगी। मतलब लॉन्ग टर्म तक आप उसको खींच सकते हैं, अपने एज फैक्टर को। तो देखिए, एंटी एजिंग एक्सरसाइज में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वाट्स पोजीशन बहुत अच्छी है, बेस्ट है। दोनों पैरों को साइड बाय साइड खोल लीजिए, हाथों को ऐसे बांध लीजिए। आपको चेयर पे बैठने जैसी मुद्रा बनानी है। देखिए, मैं फ्रंट से भी बताऊंगी, साइड से भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप साइड से बताती हैं, किनारे से, तो आप फ्रंट से भी वीडियो बनाएं। तो मैं फ्रंट से भी बताऊंगी आपको और साइड से भी बताऊंगी। ये देखिए, फ्रंट से, अभी साइड से देख लीजिए। ये पोजिशन बहुत अच्छी है। आप चाहे तो वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, किसी चीज को पकड़ के कर सकते हैं, अगर आपसे वैसे नहीं रुका जा रहा है तो। इसमें आपको कम से कम एक मिनट तक आपको स्टे करना है, 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक। ये हो गया, अब इसमें सेकंड देख लीजिए। देखिए, एक पैर आगे रखेंगे आप और एक पैर पीछे, पीछे वाले को आगे टच कर देना है और आगे वाले को ऐसे रखना है स्ट्रेट। अब इसी को इस लेग से देख लीजिए, फ्रंट से देखिए। सब में आपको 30 सेकंड टू 60 सेकंड, मतलब यानी 1 मिनट स्टे करना है। आप चाहे तो ब्रीथ इन आउट भी कर सकते हैं, ब्रीथ इन करके हाथ ऊपर ले जाइए इसे लॉक करके। ये और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ब्रीथ आउट, क्योंकि 30 सेकंड तक आप खड़े खड़े क्या करेंगे, तो आप यही कर लीजिए। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ का बहुत ज्यादा महत्व है इन चीजों में। आप डीप ब्रीथ इन आउट करते रहिए, धीरे धीरे से लीजिए, धीरे धीरे से छोड़िए, उससे आपको डबल इफेक्ट होगा, एकदम ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप देखिए, थर्ड देख लीजिए। इसमें ऐसे करना है आपको, फिर ये पैर पीछे ले जाके वैसे, फिर ये देखिए, थोड़ी सी टफ है, इसमें आप सपोर्ट ले लीजिए। देखिए, सपोर्ट ले लेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, देखिए, मेरा लेडीज चैनल है, मैं लेडीज के हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ, तो हिसाब से मैं, मुझे सब टाइप से बताना पड़ता है। देखिए, अब इसमें भी फ्रंट से देख लीजिए। देखिए कैसे पैर की पोजीशन है, कितना आपको डाउन जाना है, ये आप इसमें देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देख लीजिए इसमें प्लैंक पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए, दोनों हाथों को ऐसे रखिए, ऐसे रख लीजिए और घुटनों पर टच कीजिए, फिर धीरे से आप पंजों पे आ जाइए। देखिए, फिर आपको ऐसे पोजीशन बना लेना है और सामने देख रहा है। पैरों की पोजीशन देख लीजिए, घुटने एकदम सीधे रहेंगे, बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी, टेबल टॉप पोजीशन, आपका बैक बोन टेबल टॉप पोजीशन पर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी आप 30 से 60 मिनट रहिए। देखिए, इसको भी मैं फ्रेंड से बता देती हूँ। दोनों हाथों की पोजीशन ऐसे, दोनों पैरों को पीछे, बॉडी स्ट्रेट और सामने देखेंगे। इसमें आपको 30 से 60 सेकेंड स्टे करना है, यानी आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक, ठीक है, और 3 बार इसको रिपीट करना है। अब इसमें नेक्स्ट
देखिए मैं कुर्ती पहने आज थोड़ी सी दिक्कत आएगी उसमें, इसलिए मैं ठीक कर रही हूँ। लेट जाइए आप, दोनों हाथ आपके नीचे रख लीजिए स्ट्रेट और बॉडी को अप कीजिए। देखिए अप, अब आप चाहे तो देखिए अगर आप इस पोजीशन में नहीं रुक पाते हैं तो आप इसके नीचे कोई सपोर्ट रख सकते हैं, आप पिलो रख सकते हैं रोल पिलो, आप चाहे तो कोई कुछ और पटिया वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे नीचे, ताकि आप इस पोजीशन में ज्यादा देर तक रुक सकें। आपको कम से कम 30 सेकंड तक इस पोजीशन में रुकना है। नॉर्मल ब्रीथ इन आउट करते रहिए। अब इसी को आप फ्रंट से देख लीजिए। देखिए दोनों पांव आपको ऐसे रखना है और हाथ ऐसे रखना है स्ट्रेट और बॉडी को अप करना है। ये इसमें आपको 30 सेकंड इसमें करना है। नॉर्मल ब्रीथ इन आउट करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, ये तो कुछ 5-6 व्यायाम एंटी एजिंग जो आपकी उम्र को बढ़ने से रोक देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उम्र को खींच देते हैं, अपनी जगह स्टिल कर देते हैं। तो देखिए 40 के बाद आपकी उम्र जैसे घटने लगती है, आपकी आपकी उम्र माइनस में चलती है 40 इयर्स के बाद, तो तब से आपको ये करना स्टार्ट कर देना है ताकि आपकी उम्र लंबी खींच सके, आपके सारे अंदर के इंटरनल पार्ट्स मजबूत रह सके, आपके जॉइंट्स मजबूत रह सके। तो ये सारी फ्रेंड्स कीजिए। अब इसके बाद आपके पास अगर टाइम है समय है आप दो सिर्फ प्राणायाम कर लीजिए, कौन सा कपालभाति जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, आपकी बॉडी में से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है। कपालभाति मैं बता चुकी हूँ, एक बार और देख लीजिए, 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक लगाना है, मुंह बंद, नाक से सांस को सिर्फ फेंकना है दोनों नोस्ट्रिल से, कैसे देख लीजिए। ये कम से कम आपको 100 टाइम्स करना है और इसके बाद आप कर लीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, एज बढ़ती है इसके साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, यह आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है, आपके ब्लड में क्लोटिंग नहीं बनने देती है, उसे पतला रखती है। तो देखिए नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम, दोनों फिंगर्स यहाँ रख लीजिए, एक नोस्ट्रिल से लेना है ब्रीथ इन, 2 सेकंड्स होल्ड करना है, 3 सेकंड्स तक इस वाले नोस्ट्रिल से आउट कर देना है। जिस नासिका छिद्र से आपने बाहर एक्सहेल करी उसी से इन करना है, 2 सेकंड्स होल्ड करना है, दूसरे नासिका छिद्र से एक्सहेल कर देना है। ये होता अनुलोम विलोम, इसको कम से कम आप 20 टाइम्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये हुआ एंटी एजिंग सेशन आज का, तो कैसा लगा आपको मेरा सेशन आप कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।